साथ दीपाली, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी की आज यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां हैं। प्रधानमंत्री आज 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सबसे पहले वो आगरा पहुंचेंगे जहां हुंकार भरेंगे और बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के लिए प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के आगरा के बाद बरेली में चुनावी जनसभा है। प्रधानमंत्री शाम 4:30 बजे शाहजहांपुर जाएंगे जहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं प्रधानमंत्री की 3 जिलों में। तो पीएम मोदी की आज 3 जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां हैं जहां शाहजहांपुर शाम को पहुंचेंगे 4:30 बजे। वहीं आगरा में भी आज आगरा के बाद बरेली में चुनावी जनसभा है। और इसके अलावा आपको ये बताएं कि आगरा में बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो प्रधानमंत्री का लगातार उत्तर प्रदेश में दौरा चल रहा है, चुनावी रैली चल रही है, कल भी थी और आज भी लगातार 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। और देखना होगा कि आज प्रधानमंत्री क्या निशाना साधते हुए नजर आते हैं विपक्ष पर, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, प्रधानमंत्री के जो बयान सामने आ रहे हैं, सीएम योगी के जो बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर लगातार सियासत गर्म होती नजर आ रही है। विपक्ष भी लगातार हमला करता हुआ नजर आ रहा है। आज किन मुद्दों पर विपक्ष को घेरते हैं प्रधानमंत्री, ये बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि इस बार क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस पर प्रधानमंत्री आज भी बोलेंगे। मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से, हमारे सहयोगी। सबसे पहले मनीष का जरा रुख कर लेते हैं और हमारे साथ अजय भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। सबसे पहले मनीष का जरा रुख करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे पहले आगरा ही जाएंगे। मनीष, क्या कुछ देख रहे हैं तस्वीर, कितने बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और लोगों में कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री के लिए आगरा कितना महत्वपूर्ण है, ये इस बात से साबित होता है। 2014 की अगर हम चुनाव की बात करेंगे तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा से उन्होंने आगाज किया था। आगरा की कोठी मीना मजार मैदान पर आज प्रधानमंत्री 12:30 बजे के आसपास आएंगे और उनकी रैली शुरू हो जाएगी। वो उन्होंने जो कहा सो पूरा किया, इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 से 80 सीटें उनको पूरा जीतने का लक्ष्य उन्होंने रखा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उस पर जीतेंगे। जी बताइए, प्रधानमंत्री जी ने जो इस काम को किया, आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा ही कार्य कर रहे हैं और अच्छा ही कार्य करते रहेंगे वो। और हम लोग सारे के सारे जागरूक हैं, जितने भी वोटर हैं उनके लिए वोटों की पूरी पूरी निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि भाजपा की मजबूती। राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने पूरा किया, राम मंदिर का धारा 370 उन्होंने हटाई, जो मोदी जी ने कहा उन्होंने अपनी गारंटी पूरी करी और उनपे जनता का अटूट विश्वास है। उसी विश्वास को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं और देश को भी आगे बढ़ रहे हैं। और हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं जो कि बहुत अच्छे और देखिए जिस तरीके से मतलब कुछ लोग और दिया, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी? पहले तो प्रधानमंत्री जी ने 500 साल का इंतजार खत्म करा हम लोगों का। राम मंदिर बनवाया, सीए हटाया, 370 हटाई। तो ऐसे प्रधानमंत्री को तो के लिए हम पूरी जी जान से मेहनत करेंगे और जो जितना होगा चुनाव वाले दिन अधिक से अधिक मतदान करवाएंगे, यही हमारा प्रयास रहेगा। क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री जी इस बार कोई बड़ी घोषणा करके जाएंगे? अब घोषणा तो करते रहते हैं, उनका विकास का एजेंडा रहता है, वो तो काम करते ही रहते हैं। जी काम करते रहते हैं। आप ये देखिए, मतलब कुछ और लोग भी आप आगे इनसे और बात करते हैं, क्या लगता है प्रधानमंत्री जी क्या स्वागत देके जाएंगे उत्तर प्रदेश को? मैं समझता हूँ आगरा का विकास होगा और सबसे जनप्रिय हमारे ये प्रधानमंत्री हैं और उनको पूरा पूरा समर्थन मिलेगा और यहाँ से आगरा से निश्चित ही जाएंगे। ठीक है, मनीष लौटेंगे आपके पास, जरा अजय का भी जरा रुक कर लेते हैं। अजय, बरेली में क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि यहाँ तो इस बार बीजेपी की तरफ से नए कैंडिडेट हैं। देखिए, आपको बता दूं कि जो मोदी जी जो है 3:30 पर बरेली पहुंचेंगे और 3:30 से लेकर 4:10 पर उनका जनता का संबोधन है। लगभग 40 मिनट तक ये संबोधन उनका रहेगा। आपको बता दूं कि बरेली की बात की जाए तो बरेली को भाजपा का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या नगर निकाय चुनाव हो, यहाँ भाजपा का परचम लहराता है। तो ऐसे में जो है मोदी जी आ रहे हैं और वो यहाँ पर बरेली की जनता से धर्मेंद्र कश्यप जो भाजपा प्रत्याशी उनके समर्थन में जनसभा करेंगे। और आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां उनकी जो फेरिस है काफी लंबी है और उस फेरिस के यहाँ पे जो है आज वो मोदी जी आएंगे और जनता के बीच में जाएंगे और वो मांगे, क्योंकि बरेली की जनता को जनता क्या सोच रही है जरा पूछिए अजय जी। आज मोदी जी आ रहे हैं तो क्या क्या कहेंगे इसमें, किस तरह का चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? निश्चित रूप से अभी मोदी जी बहुत बड़ा एक ब्रांड होते हैं, उनका आना
किसी भी जगह की पृष्ठभूमि एकदम चेंज कर सकता है। और पूरा भारत जब भाजपा मई कर दिया है मोदी जी ने, तो निश्चित रूप से जब बरेली में आएंगे तो वैसे ही तहे दिल से स्वागत किया है हमेशा भाजपा का। भाजपा सरकार ने बरेली को नाथनगरी कहा था, उसको नाथनगरी कॉरिडोर भी दिया है, क्या इसके यहाँ पे बात करेंगे? हाँ संभवतः है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि सारा प्लान धरातल पर उतर चुका है, सारी इस पर वर्कआउट शुरू हो गया है, सब तरह के रोड चार्ट बना लिए गए हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये इसी तरीके से रहा तो अगले बार का सावन बहुत रंगीन होने वाला है। चलिए आप बताइए कि जिस तरह से बरेली को भाजपा का गढ़ कहा जाता है, तो आज मोदी जी आ रहे हैं और आप उनकी संबोधन सुनने जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा चुनाव के? बहुत ही खुशी की बात है यार, मोदी जी आ रहे हैं, इसका हमें बड़ा खुशी से जाएंगे वहां पर। क्या क्या लग रहा है, जो दो सीटें हैं बरेली लोकसभा आंवला लोकसभा, इस पे इस रैली का क्या असर पड़ेगा? इसका ये होगा कि बहुत असर पड़ेगा, तो क्योंकि मदद करेंगे हमें सबको। चलिए बेसब्री से आप थोड़ा सा आगे जाइए, आप बताइए क्या कहेंगे? बिल्कुल मुकाबला यहाँ पर भी दिलचस्प होने वाला है। शाहजहांपुर का जरा रुक कर लेते हैं, वहां पर क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए शाहजहांपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी 5 बजे इस मोदी मैदान में पहुंचेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी से सीधी भारतीय जनता पार्टी की टक्कर है और यहाँ 3-3 मंत्री हैं जिनकी साफ दौर पर लगी है। सुरेश कुमार सिन्हा, जितिन प्रसाद, सहकारिता मंत्री जेपी काठर, उनकी साफ दौर पर लगी हुई है ये रैली। जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो उनके बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, जो आम पब्लिक में जान फूकने का काम करेंगी, ठीक 5 बजे प्रधानमंत्री यहाँ आ जाएंगे। पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन में रखा गया है, कोई भी ड्रोन गुब्बारा या पतंग उड़ाने की इजाजत यहाँ पर नहीं है। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 3 लेयर में यहाँ सुरक्षा प्रधानमंत्री की रखी गई है और लगभग 200 पुलिसकर्मियों, जिसमें ITS, एडिशनल SP और CO समेत इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी शामिल है। ठीक जनसभा कुछ आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि देखिए सबसे करीब 1 लाख लोगों की बैठने की तैयारी इस पूरे जनसभा स्थल में की गई है और लोगों का आना लगभग जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, जो कुर्सियां हैं वो डाली जा रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था अभी से तैनात कर दी गई है, जो मेटल डिटेक्टर है वो लगा हुआ यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर समाजवादी पार्टी से सीधी बीजेपी की टक्कर है और समाजवादी पार्टी की अगर हम यहाँ बात करें तो समाजवादी पार्टी यहाँ ठीक है। शिव बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया। अब आगरा की जनता के मन में क्या है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखिए जरा। ये क्या लग रहा है चुनाव का, बीजेपी आएगी? बीजेपी आ जाएगी? अब लग रहा है कि जैसे डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं कि मोदी योगी, उन्होंने आपको लगता है कि काम किया दोनों के, डबल इंजन की सरकार ने किया है काम? अच्छा, बहुत अच्छा। यूपी में बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है, गुंडागर्दी लेके कंट्रोल हुआ है। मोदी जी ने काम किया है? काम कर दिया। अच्छा, आपको लगा कि बदलाव हुआ है क्षेत्र में? हाँ क्षेत्र में हुआ। तो अब जैसे योगी जी कहते हैं हमने गुंडागर्दी खत्म किया है यूपी में और उसका असर भी है, हम सुविधाएं दे रहे हैं गरीबों को, तो वो सुविधाएं मिल रही है? मिल रही है, मिल रही है सुविधाएं गरीबों को, मिल रही। सर मैं तो कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। बन जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे, मेहनत ऐसे ही करेंगे तो बिल्कुल बनेंगे। योगी जी कहते हैं कि हमने देखिए डबल इंजन की सरकार है, हमने काम किया, गुंडागर्दी खत्म की, सड़कें बेहतर की, वो चीजें यूपी के अंदर भी बदली है? नहीं बदल रही है। क्या माहौल लग रहा है अब चुनाव का? साइकिल निकलेगी? साइकिल निकल जाएगी? साइकिल साइकिल बीजेपी वाले कह रहे 80 सीटें आ जाएंगी हमारी, को कहने दो, कहने दो। क्यों खुश नहीं हो, काम नहीं किया? नहीं किया, काम नहीं किया है। किसका लग रहा माहौल इस बार? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार, अरे भैया खुश हो के कह रहे कि इस बार बीजेपी सरकार। बीजेपी थी, बीजेपी रहेगी। बीजेपी क्या जी? आगरा, आगरा किसका लग रहा है? आगरा तो है, आगरा है वर्ल्ड, यो मोदी की वजह से आगरा ऐसा हो चुका है, फेमस हो चुका है आगरा। 400 पार करने में किसी की हिम्मत नहीं है, कोई रोक जाए पूरे इंडिया। 400 पार कह रहे चाय वाला पूरे इंडिया में, पूरे भाग, पूरे विश्व के अंदर। अच्छा हाँ, मोदी जी 400 पार कर रहे हैं? 400 पार पूरी हो गई है और राम मंदिर भी यहाँ पे हमने बना के रखा है अपनी दुकान के अंदर। लग रहा बीजेपी आ जाएगी जी? बीजेपी है, बीजेपी। उतने इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, किसी की हिम्मत नहीं थी, बड़े निर्णय लिए, उसमें हिम्मत है बड़े निर्णय लेने को। और आगे अगर ये दोबारा आ गया तो हम कह के दिखा सकते भारत पता नहीं कितनी ऊंचाइयां पार कर देगा। क्या लग रहा है इस बार? मोदी जी,
हैट्रिक हो जाएगी? अरे 400 पार जाएगी। 400? भैया खुश होकर कह रहे 400 पार हो जाएगी। काम क्या नहीं हुआ आप बताइए ना, कहाँ काम नहीं हुआ? हाईवे नहीं बन रहे कि रेलवे नहीं बन रही, वंदे भारत कहाँ थी पहले कांग्रेस के टाइम पे? वंदे भारत ये सब बन रहा है, आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय पे इतना स्तर पे है, दुनिया पांचवे नंबर पे, हमारा एक GDP बना हुआ तीसरे नंबर पे आने पे है। मुझे तो लग रहा है BJP आ जाएगी। इनको लग रहा है सर? नहीं, उम्मीद है, मतलब वजह क्यों, आपको क्यों उम्मीद लग रही है? यूपी में तो मुझे BJP ज्यादा ऑप्शन लगता है। अच्छा, अभी 80 सीटों का दावा कर रहे हैं कि 80 सीटें हम यूपी में जीत जाएंगे, ऐसा माहौल लगा? देखिए मैं बाकी जगहों में नहीं बता सकता, लेकिन यूपी के चांसेस हैं। यूपी में हमें, मुझे पर्सनली मैं बात करूँ अगर, तो योगी सरकार मुझे ठीक लगती है। और मोदी जी की हैट्रिक बन रही है, वो तो हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है कि सरकार मोदी जी की आ रही है या नहीं? लग तो रहा है कि आएगी। भरोसा नहीं है? नहीं, अब भरोसा कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो देखिए जनता के मन में बहुत सारे विचार हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, लेकिन बरेली की जनता के मन में क्या है ये भी देखिए जरा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मतलब कि बरेली की बात करें तो बरेली में क्या माहौल है? बरेली में बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के लिए, योगी जी की नीतियों से लोग प्रभावित लगातार होकर, और कोई कहीं मतलब जो है दूसरा प्रत्याशी अभी तक मैंने कहीं देखा ही नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के प्रत्याशी तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन युवा तो सुना नाराज है भैया, पेपर लीक भर्ती इससे आप नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ। जनता खुश है, युवा भी खुश है। हाँ। युवा भी देख रहा है अपना भविष्य आगे। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बता, बेरोजगारी नहीं इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान पे होगा या विकास के नाम पे? विकास के नाम पर होगा। हाँ। और मोदी योगी गरीब कल्याण के लिए जो नीतियां हैं। हाँ। वो बहुत प्रभावी हैं और जनता उन्हें देख करके उनके लिए वोट देगी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार क्या मोदी जी आएंगे? क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश के लिए, देश के नागरिक के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। महिलाओं की बात की जाए तो 3 तलाक का मुद्दा उठाया, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा काम किया है। जो महिलाओं को मारा पीटा जाता था, छोटी छोटी बातों में धमकियाँ दी जाती थी, तलाक दे दी जाती थी। तो आपको लग रहा है कि योजनाएं पहुंची आप लोग? हाँ, योजनाएं पहुंची है, घर घर योजनाएं पहुंची है, राशन घर घर मिला है। आ रहे हैं मोदी जी? जा रहे हैं? आ रहे हैं सर, 400 पार के साथ में आ रहे हैं। तो ग्राउंड पे योजनाएं मिली या नहीं मिली? जी बिल्कुल मिली है योजनाएं, जैसे कि सबसे पहले मुस्लिम समाज को प्रधानमंत्री आवास योजना की बहुत बड़ी। हाँ, पक्के मकान मिली है? जी बिल्कुल। आयुष्मान? जी बिल्कुल मिली है। राशन योजना, राशन और भी बतेरी चीजें हैं जो कि लफ्जों में बयां नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज को इतने बड़े लेवल पर सहायता देने का कार्य किया है जिसका कि हम अपनी जुबान से कुछ बता ही नहीं सकते। आपको लग रहा है कि राम मंदिर भी एक बड़ा फैक्टर? बिल्कुल बिल्कुल, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी का नारा है कि इस बार 400 बार, और बरेली का नारा है छत्रपाल जी 4 लाख बार।